Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss about the MOS capacitor. So, as you know, the name MOS capacitor actually it is a metal oxide semiconductor capacitor. So, this MOS capacitor is the heart of the MOSFET device. So, if I write the full form of this MOS capacitor, so it will be metal. ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कैपेसिटर द शॉर्ट नाम इज कैपेसिटर नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कैपेसिटर? सो वी नो दैट कैपेसिटर इज नथिंग बट इट कैन स्टोर चार्जेस सो ये जो मॉस कैपेसिटर है ये भी चार्ज स्टोर करते हैं बट कैसे

फ यू लुक एट दिस डायग्राम सो ये जो मॉसफेट है मैंने यहां पर दो डायग्राम बनाया हुआ है सो so पहला जो डायग्राम है सो वी नो दैट मोस्फेट जो होता है ये मॉस्फेट दो तरीके का हो सकता है पहला वन इज द एम चैनल मॉसफेट सेकेंड वन इज द पी चैनल मॉसफेट

ये वाले पार्ट इज अ पी सबस्ट्रेट सो दिस इज नथिंग बट अ पी सबस्ट्रेट इस पी सबस्ट्रेट के अंदर मैंने ये वाले पोर्शन पे ये वाले एरिया पे मैंने एन प्लास डोपिंग किया एन प्लस। एन प्लस का मतलब होता है कि हाईली डोप्ड एन रीजियन प्लस मतलब हाईली डोप्ड एन रीजियन नाउ इस एन प्लस रीजियन में मैंने यहां पे n प्लस रीजन डोप किया यहां पे n प्लस रीजन डोप किया तो ये मेरा p सबस्ट्रेट था अब इसके ऊपर ये वाले पोर्शन जो ब्लैक लाइन पे लिखा है सो दिस इज नथिंग बट x ऑक्साइड लेयर जनरली वी यूज द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर यहां पे जो ऑक्साइड लिखा है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है सो दिस ब्लैक रीजन आर द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर एंड दिस सो so, ये भी मेटल है यहाँ पे मेटल कनेक्शन यहां पर गेट टर्मिनल ये मेरा आपका ड्रेन टर्मिनल एंड दिस इज सोर्स टर्मिनल देयर इज एनदर वन टर्मिनल देयर सो यहाँ पे और एक टर्मिनल होते हैं सो दिस इज द

so for the p-channel MOSFET the substrate that is taken is the n-substrate and this, in this n-substrate we have doped two regions of p-plus यहाँ पे भी p-plus so two p-plus region यहाँ पे doped किया गया है similarly यहाँ पे भी मेरा silicon dioxide का एक layer होगा उसके ऊपर यहाँ पे ये यह जो blue color का है this is nothing but मेटल ये मेरा मेटल और एक यहां पर आपका टर्मिनल होगा सो दिस इज ऑल्सोर टर्मिनल दिस इज दर्मिनल सो यू कैन सी दैट इट इज अ पी चैनल मॉसफेट एन इंडिस पी चैनल मॉसफेट सबस्ट्रेट क्या है इन सबस्ट्रेट और डोपिंग क्या है पी प्लस और एन प्लस नाउ सिमिलरली यहां पे भी मेरा गेट टर्मिनल होंगे यहां पे आपका ड्रेन टर्मिनल यहां पे आपका सोर्स टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल आपका जनरली टर्मिनल को डिफाइन किया जाता है कभी कभी टर्मिनल को बॉडी टर्मिनल भी बोलते हैं सो एक्चुअली दिस इज टर्मिनल डिवाइस नाउ मेरा टॉपिक क्या है मॉस कैपेसिटर अब इफ आई इफ यू लुक क्लोजली टू दिस पिक्चर ये वाले दोनों पिक्चर में इफ यू लुक क्लोजली इन दिस डॉटेड रीजियन ये जो डॉटेड रीजियन में ड्रॉ कर रहा हूं ये जो डॉटेड रीजियन है इफ यू लुक क्लोजली टू दिस डॉटेड रीजियन एंड ऑल्सो दिस डॉटेड रीजियन ये जो डॉटेड रीजियन है इस दोनों डॉटेड रीजन को अच्छी तरीके से देखिए तो यहां पे क्या देख रहा है यहां पे मेरा एक मेटल का लेयर है उसके नीचे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है और उसके नीचे मेरा पी सबस्ट्रेट का लेयर है सिमिलरली यहां पे भी मेरा क्या हो रहा है एक मेटल लेयर उसके नीचे एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर उसके नीचे मेरा एन सबस्ट्रेट का लेयर नाउ इफ आई ड्रॉ दिस इन अ एनलार्ज वर्जन इफ आई ड्रॉ दिस इन द एनलार्ज वर्जन तो इसी वाले को मैं एनलर्ज करके ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे अब देखिए एनलर्ज करके अगर ड्रॉ करना है तो इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूं कि ऊपर में मेरा एक मेटल का लेयर है इस तरीके का ये मेरा मेटल लेयर है सो दिस इज द मेटल लेयर यू कैन सी ये मेरा मेटल का लेयर और उसके नीचे क्या होगा उसके नीचे मेरा एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है उसके नीचे मेरा एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर सो दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेरा सेमीकंडक्टर है जो सेमीकंडक्टर मेरा पी टाइप है सो so, पी टाइप और यहां पे मेरा सबस्ट्रेट टर्मिनल है और यहां पे मेरा गेट टर्मिनल सो यू कैन सी

सबसे ऊपर में मेरा मेटल का लेयर है यहां पे ये मेरा मेटल का लेयर उसके उप नीचे क्या होंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर सो दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेरा सेमीकंडक्टर का लेयर यू कैन सी सो ये वाला सेमीकंडक्टर क्या था इन सबस्टेट था सो दिस इज इन सबस्टेट यहां पे कौन सा टर्मिनल थे सबस्टेट टर्मिनल टर्मिनल so, और यहां पर कौन सा टर्मिनल था यहां पर गेट टर्मिनल सो यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो अ मोस्पाटर यह भी मेरा एक मॉस्कप सिटर है बट दिस पी चैनल मॉस्फेट के अंदर है इसीलिए इसका सबस्टेट है एन सबस्टेट सो दिस इज अस्प सिटर विथ एन So, ये कहां पे रहता है दिस मोस्किटर विद एन सबस्टेट इज विद इन द पी चैनल पी चैनल मॉसपेट के अंदर आपका एन सबस्टेट मोस्पेटर होता है और मॉस्कैपिटर विथ पी सबस्टेट इज विद इन द एन चैनल मोस्पेट सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द मोस्क मॉसिटर बोल के कोई अलग सा डिवाइस नहीं होता है

For the operations of this MOS capacitor. So, it will help us to understand the operation of the MOSFET. Now, let us consider a MOS capacitor using P type of substrate. So, this is a MOS capacitor using P substrate. So, we are going to discuss a MOS capacitor. यूजिंग दिस पी टाइप ऑफ सबसेट जो मैंने पहले बोला था कि मॉस कैपेसिटर कोई अलग सा डिवाइस नहीं होता है मॉस कैपासिटर मॉसफेट के अंदर बिल्टिंग होता है सो फॉर अ पी टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉस कैपासीटर वी नो दैट दिस विल बी दी सबसे दिस वन दिस ब्लैक रीजियन शेडेड रीजियन विल बी दिलीकॉन डाइऑक्साइड एंड दिस इज द मेटल ये मेरा मेटल है सो दिस विल बी द गेट टर्मिनल एंड दिस वन इज टर्मिनल नाउ वी टू डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता था इफ वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द पैरेलल प्लेट कैपासिटर द पैरल प्लेट कैपेसिटर विल वर्क जिस वर्किंग प्रिंसिपल होंगे वो सेम वर्किंग प्रिंसिपल यहां पे आएंगे सो नाउ इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस द पैरल प्लेट कैपेसिटर वी नो द पैरल प्लेट कैपासिटर लुक्स लाइक दिस दैट देर इज अ पैरल प्लेट देर आर टू पैरल प्लेट सो दिस इज वन पैरल प्लेट ओके

सो दो टर्मिनल है और पैरेलल प्लेट आपके पास है सो ये वाला एक पैरेलल प्लेट होगा नीचे वाला एक पैरेलल प्लेट और दोनों के बीच में मेरा एक डायलैक्ट्रिक होंगे सो सो लेट अस दैट पे बीच में है एंड दिस डायलेक्ट्रिक हैटेरियल इज हैविंग द परमिटिविटी एज एप्सिलॉन एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल सो ये मेरा मेटल प्लेट होगा ये भी मेरा मेटल प्लेट होंगे सो नाउ इफ यू रिम्बर द हाई स्कूल फिजिक्स देन वी कैन इजिली एक्सप्लेन द ऑपरेशन क्या होगा कि इफ इफ आई अप्लाई सम वोल्टेज इफ आई अप्लाई सम वोल्टेज एक्रॉस दिस टू प्लेट सो लेटस एज्यूम दैट वी आर अप्लाइंग पॉजिटिव इन द अपर प्लेट एंड नेगेटिव वोल्टेज इन द लोअर प्लेट सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जैसे ही मैंने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई किया पॉजिटिव वोल्टेज सो क्या होगा सो so, कुछ so, so, लेटर्स प्लेट होंगे इस वाले प्लेट में मेरा पॉजिटिव चार्ज एकट हो जाएगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे अक्यूमुलेट होंगे सो so, यहां पर जितने अमाउंट पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएंगे यहां पे जितने अमाउंट ऑफ ऊपर वाले प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आएगा सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आपका नीचे वाले प्लेट में भी आएंगे सो दीज आर द नेगेटिव चार्ज दैट हैज बीन एक्यूमुलेटेड ऑन द मेटल प्लेट सो इस पॉजिटिव चार्ज से यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है इसी के अंदर आप देखिए कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होगा क्योंकि बीच में मेरा डायलेक्ट्रिक है क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा जो हम लोग हाई स्कूल फिजिक्स में कर चुके हैं सो so, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया नीचे वाले में नेगेटिव चार्ज आया और ये जो डायलेक्ट्रिक है इस डायलेक्ट्रिक अभी क्या होगा डायलेक्ट्रिक जो नीचे है वो डायलेक्ट्रिक अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला था अब इसका जो कैपेसिटेंस होगा ये ये जो पैरल प्लेट कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटेंस होंगे वो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है सो द कैपेसिटेंस वी कैन राइट द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरल प्लेट पैरल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा द कैपेसिटेंस ऑफ द दिस पैरल प्लेट कैपेसिटर इफ आई डिनोट इट विथ सी कैपिटल सी this capital c will be equals to epsilon a by d we know this formula this is a very well known formula for a parallel plate capacitance so what is epsilon epsilon is the dielectric uh, constant of this dielectric material or you can say it is the permittivity of this dielectric material so what is d d is the d is the distance between the two plates

and epsilon is the permittivity of this dielectric so we can find the capacitance due to this parallel plate is epsilon a by d now this is the total capacitance so what will be the unit the unit will be farad capacitance unit now suppose if we want to find the capacitance capacitance per unit area of this parallel plate capacitor. So, what will be the capacitance per unit area? Nothing but capacitance, total capacitance divided by the area. So, total capacitance divided by the area, area kya hai A? So, that means it will come out to be, let us denote this as C dash. C dash is the capacitance per unit area. So, we can write that C matlab kya hai? Epsilon A by D. So, epsilon A

सेम थिंग और सेम फेनोविन विल टेक प्लेस इन दिस पैरल इन दिसर वाला में क्या है मेटल नीचे बीच में क्या है सैंडविच लेयर दैट इज दिलिकोन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड लेट अब लेटस एक्सप्लेन दिस पी सब्सट्रेट मॉस कैपेसिटर यूजिंग दिस कॉन्सेप्टो नाउ लेट अस एज्यूम दैट मैंने ये गेट वाले टर्मिनल पे ये जो गेट टर्मिनल है इस गेट टर्मिनल पे सपोज मैंने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया सपोज इफ आई अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल द गेट एंड ये सबस्ट्रेट टर्मिनल पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई किया आउटसाइड से सो एक्सटर्नल पोटेंशियल का नेगेटिव पोटेंशियल गेट पे आएंगे और एक्सटर्नल पोटेंशियल का मैंने सबस्ट्रेट पे पॉजिटिव टर्मिनल डाला तो क्या होगा तो जैसे मैंने यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल डालेंगे तो क्या होंगे ये जो मेटल लेयर है तो इस मेटल लेयर में मेरा नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा सो नेगेटिव चार्जेस आएंगे और यहां पे तो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल था अब देखो तो क्या होगा इसको अगर कैपेसिटर की तरह काम करना है इसको अगर कैपेसिटर की तरह काम करना है तो क्या होगा मैंने बोला था में आएंगे, तो क्या है नीचे वाले प्लेट की जगह पे मेरा यहां पे सेमी कॉन्डक्टर है जो मेरा पी सबस्टेट है तो अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे तो नेगेटिव चार्जेस आ गया नेगेटिव पोटेंशियल के लिए तो यहां पे ये जो डायक्ट्रिक मेटीरियल है ये silicon dioxide is also dielectric material. So, dielectric material के नीचे वाले लेयर पे कैसे positive charge उसको समझना है। तभी दैट इज द टोटल ऑपरेशन ऑफ दिस मोस्ट कैपेसिटर दैट मींस यहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से यहां पे आ गया था बट यहां पे क्या हो रहा है मैंने negative charge gate पे डाला था सो so, गेट्स के साथ मेरा जो मेटल लेयर था उस मेटल लेयर में नेगेटिव चार्ज आया तो उसके जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज के सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आपको यहां पे आना चाहिए तभी तो ये कैपेसिटेंस की तरह काम करेंगे कैपेसिटर की तरह काम करेगा सो ये पॉजिटिव चार्ज इसके सेमीकंडक्टर के अंदर कैसे आएंगे सो दिस विल गिव अस द टोटल ऑपरेशन ऑफ दिस मॉस कैपेसिटर सो लेट अस सी

उस एक्सटर्नल कनेक्शन में मेरा नेगेटिव टर्मिनल यहां पे होंगे और पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे होगा कनेक्टेड। सो दिस इज द पी टाइप सबस्टेट अ नेगेटिव पोटेंशियल तो ये जो मैंने पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया दिस इज नथिंग बट द गेट पोटेंशियल सो गेट पोटेंशियल में मैंने क्या किया कि गेट टर्मिनल पे नेगेटिव और सबस्टेट टर्मिनल पे पॉजिटिव अप्लाई किया था अब जैसे ही मैंने गेट पे नेगेटिव पोटेंशियल डालने सो so व्हाट यहां पे देखिए नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे यहां पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा। सो नाउ यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गया मेटल के अंदर तो ये क्या था मेटल था ये मेरा मेटल था ये मेरा ऑक्साइड था ये मेरा, मेरा सेमीकंडक्टर थे सो so, मेटल के अंदर मेरा ऑक्साइड मेटल के अंदर मेरा नेगेटिव चार्जेस आया अब इसको अगर कैपेसिटर की तरह काम करना है तो सेमीकंडक्टर के अंदर मेरा इक्वल अमाउंट तो इक्वल प्रोड्यूस होगा सो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होने से क्या होगा अब देखिए ये जो पी ऑफ है सो वी नो दैट इनसाइड अ पी ऑफ स्टेट वॉट इज द मेजोरिटी कैरियर सो पी ऑफ जो मेटेरियल है सो पी स्टेट के अंदर मेजोरिटी कैरियर क्या होता है सो मेजोरिटी कैरियर आपका क्या होता है होल्स सो होल्स आर द मेजोरिटी कैरियर अब इसका मतलब है इसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं बहुत सारे होल्स सो दीज आर द होल्स सपोज दीज आर द मेजोरिटी कैरियर द होल्स सो ये क्या है ये सारे जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं ये आपका होल्स है जो पी ऑफ का मेजोरिटी कैरियर है सो so, नाउ यहां पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल है तो अब क्या होगा कि इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्जेस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड आएंगे एक इलेक्ट्रिक इधर जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव सो अ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप्ड अ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप्ड इन दिस डिरेक्शन ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिरेक्शन होंगे ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिरेक्शन सो अ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेवलप्ड फ्रॉम दिस पॉजिटिव टर्मिनल टू दिस नेगेटिव टर्मिनल सो यह क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा डेवलप हुआ है ड्यू टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस नेगेटिव चार्जेस एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पेनीट्रेटिंग ऑक्साइड ले रहा है अब ये जो पार्टिकल्स है ये पार्टिकल्स क्या है होल्स सो वी नो दैट अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिरेक्शन पे है और मेरे पास अगर कुछ होल पार्टिकल है सपोज दिस इज होल पार्टिकल देन दिस होल पार्टिकल विल मूव इन द डिरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये मेरा होल है दिस इज द नेचर ऑफ द होल बिकॉज होल इज पॉजिटिवली चार्ज सो होल पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज होने के लिए होने हैं सो so इसीलिए मेरा क्या हो रहा है कि ये होल पार्टिकल विल मूव टूर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन ये जो सारे होल पार्टिकल्स है इन साइड दिस होल पार्टिकल्स विल नाउ ट्राई टू मूव टूवर्ड्स दिस इंटरफेस ऑक्साइड सेमी कॉन्डक्टर इंटरफेस जो है ये वाला ऑक्साइड सेमी कॉन्डक्टर इंटरफेस की तरफ मूव करना चालू होंगे तो यहां पे मेरा होल मूव टूवर्ड्स द ऑक्साइड सेमी कॉन्डक्टर इंटरफेस So, क्या होगा होल धी, धीरे धीरे इस तरफ आना चालू होगा ये जो होल्स होल है ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस तो इसी की वजह से क्या होंगे कि जितने सारे होल्स हैं वो सारे होल्स ये वाले इंटरफेस रीजियन पे आके आपका एक्यूमुलेट हो जाएंगे यहां पे एक्यूमुलेट होगा सो दीज आर द होल पार्टिकल्स व्हिच विल एकट जस्ट

यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे गेट पे नेगेटिव पोटेंशियल डाला यहाँ पे डाले, तो एक हुआ so, field, क्या होगा पी ऑफ के अंदर जितने सारे होल्स थे वो सारे होल्स का एक फोर्स आएंगे उसके ऊपर दैट्स वाई टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेक्शन में मूव करना चालू होंगे दैट मीन दे विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स द ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस और यहाँ पे आके एकट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो मेरा सेमी क्या है ऑक्साइड लेयर लेयर है और ऑक्साइड सेमी इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर के बीच से तो होल नहीं जा सकता इसीलिए सारे होल्स यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे सो दैट्स वाई अब मैं अगर क्या करने वाला हूं इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज दिस वीजी इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज दिस Vg मतलब गेट पोटेंशियल को मैं इंक्रीज करूंगा तो गेट पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये भी इंक्रीज होगा अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो यहां पे भी मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होंगे इसीलिए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा सो दैट कैन सी दैट इफ आई इंक्रीज दिस VG राइट नाउ सो द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट है

उतने अमाउंट ऑफ होल्स इधर आते जाएंगे तो यहां पे मेरा ज्यादा से ज्यादा होल्स एक्यूमुलेट होता जाएगा एट द इंटरफेस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड ऑक्साइड सो ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस में मेरा जो होल का कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएंगे इफ आई इंक्रीज द वीजी सो वी कैन से दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस विल इंक्रीज बिकॉज मैं अगर वीजी को इंक्रीज करूंगा तो ये यहां पे ज्यादा से ज्यादा मेटल के अंदर क्या होगा और ज्यादा नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे नेगेटिव चार्जेस तो इस नेगेटिव चार्जेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए सेमीकंडक्टर के जो होल्स है वो ज्यादा होल्स यहां पर आ जाएंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट मीन इफ आई इंक्रीज द विजी

नेगेटिव वोल्टेज बिकॉज वीजी एज नेगेटिव मतलब गेट पोटेंशियल पे नेगेटिव सो इफ वी अप्लाई वीजी नेगेटिव देन व्हाट विल हैपन? देन क्या हो रहा है कि होल्स विल एक्यूमुलेट, होल्स विल एक्यूमुलेट विल्यूमुलेट द ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कॉन्डक्टर

ऑपरेशन सो एक्यूमुलेशन ऑपरेशन कब हो रहा है जब तो मैं कहां पे हूं मैं हूं पी सबस्टेट कैपेसिटर। तो पी मॉस कैपेसिटर के अंदर मेरा अगर एक्यूमुलेशन ऑपरेशन चाहिए ऑपरेशन, तो मुझे गेट को नेगेटिव पोटेंशियल डालने होंगे सो गेट को अगर नेगेटिव पोटेंशियल डालेंगे तो पी सबस्टेट के अंदर क्या होगा जितने सारे होल्स है वो होल्स आपका इधर शिफ्ट होना चालू होंगे, शिफ्ट होके यहां पे इंटरफेस पे आ जाएंगे यहां पे होगा, इसीलिए दिस ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट फॉर पीस ऑफ स्टेट मॉस्कैसिटर दूमुलेशन रीजियन द गेट इज नेगेटिव दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो मैं अगर अभी गेट को इंक्रीज गेट वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा होल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे इंटरफेस रीजन पे तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ते जाएंगे सो एक्यूमुलेशन ही होगा सो so, ये था मेरा एक्यूमुलेशन रीजन ऑफ ऑपरेशन सो मॉस कैपेसिटर का पी सबस्ट्रेट मॉस कैपेसिटर का पी सबस्ट्रेट मॉस कैपेसिटर का तीनों रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है पहला था पहला था अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि एक्यूमुलेशन रीजियन ऑफ ऑपरेशन ये कब हो रहा था जब मेरा गेट वोल्टेज नेगेटिव हो रहा था ओके okay? नाउ और दो ऑपरेशन रीजियन है जिसको हम लोग बोलेंगे पहला था एक्यूमुलेशन रीजियन ऑफ ऑपरेशन देन द डिप्लेशन रीजियन ऑफ ऑपरेशन डिप्लिशन रीजियन ऑफ ऑपरेशन डिप्लिशन रीजियन

रीजियन ऑफ ऑपरेशन में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे गेट पे नेगेटिव डालेंगे तो यहाँ पे होल्स एकट होगा इंटरफेस रीजियन पे तो अब क्या करना है कि ये जो मेरा फेनोमेना हो रहा है इसी को हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम से डिस्क्रिप्शन करेंगे सो वी वॉन्ट टू डिस्क्राइब दिस थिंग यूजिंग द एनर्जी बैंड डायग्राम सो ये मेरा कौन सा मोड था यह मोड था मेरा एक्यूमुलेशन so this was the accumulation mode of operation so accumulation mode of operation pe maine dekha tha ki yahan pe holes accumulate ho raha hai interface region pe so interface jo region hai is interface region ko main agar alag se draw karunga to suppose this dotted line ke andar jahan pe मेरा interface region है ये मेरा interface region है यहां से लेकर यहां तक मेरा interface region है किसका interface ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का इंटरफेस सो इस ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर के इंटरफेस में अभी बहुत सारे होल्स हैं ड्यू टू द नेगेटिव पोटेंशियल एट द गेट सो नेगेटिव पोटेंशियल एट द गेट के लिए इसके अंदर इंटरफेस रीजन में बहुत सारे होल्स हैं इन कंपैरिजन टू दिस बल्क वन तो ये मेरा बल्क सेमीकंडक्टर रीजन है ये मेरा इंटरफेस रीजन ऑफ द सेमीकंडक्टर है सो नाउ वी कैन से दैट ड्यू टू ड्यू टू द वी जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव पोटेंशियल वट वी कैन से वी कैन से दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट इंटरफेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट इंटरफेस मतलब यहां पर जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट द इंटरफेस वील बी वील बी ग्रेटर दैन विलटर

कम है विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरफेस रीजियन सो वी कैन से दैट द इंटरफेस रीजियन है इंटरफेस रीजियन इंटरफेस रीजियन इज मोर पी टाइप मोर पी टाइप बिकॉज इसके अंदर होल्स ज्यादा है मोर पी टाइप देन द दाल्क रीजियन बाल्क रीजियन आपका लेस पी टाइप है

ये मेरा इवी एनर्जी लेवल है इसके नीचे मेरा वैलेंस बैंड और सिंस आई एम टॉकिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होंगे दैट फार्मी लेवल विल बी नियर टू द वैलेंस बैंड सो दिस इज द फार्मी लेवल ऑफ द पी टाइप सो दिस इज द फर्मी लेवल ऑफ द पी टाइप और एक चीज है कि यहां पर जो इंट्रेंसिक ज ऑफ द डक्टर सो दीन्स इंटरफेस रीजियन में मेरा जो ये गैप होंगे ये वाला गैप फार्मी लेवल से लेकर ईवी के बीच में जो गैप होगा ये वाला गैप दिस गैप डिटरमाइंस वेदर हाउ मच पी टाइप इट इज दिस हाउ मच पी टाइप द इज ये गैप से मुझे पता चलता है सो so, मैंने बोला कि इंटरफेस रीजन मोर पी टाइप है तो मेरा ये गैप छोटा होगा दैट मीन्स इंटरफेस रीजन में फर्मिलेबल और ईवी के बीच में गैप छोटा होंगे और बल्क रीजन में मतलब ये वाला रीजन में मेरा जो लेस पी टाइप है उसमें ये वाला गैप आपका ज्यादा होंगे सो वी कैन से दैट द गैप मतलब पी माइनस ईवी सो ई एफ पी माइनस ई वी फॉर इंटरफेस रीजियन फॉर इंटरफेस रीजियन विल बी लेस बिकॉज मोर पी टाइप के लिए और नजदीक होता है ई एफ पी जितने ज्यादा पी टाइप होंगे फॉर्मिलेबल अप का ई वी के और नजदीक में होगा तो यह गैप छोटा होगा सो so मैं लिख सकता हूं यहां पर ई एफ पी माइनस ई वी फॉर द बाल्क रीजियन This will happen. Bulk region. यहां पे bulk region जो होंगे उस बाल्क रीजियन से छोटा होगा बाल्क रीजियन में ज्यादा गैप होंगे नाउ आई वॉन्ट टू ड्रॉ दी बॉफ दिस्यूमेशन मोड सो होपफुलिस थिंग की कैसे मैंने यहां पर कॉन्क्लूड किया अब ड्रॉ करते हैं अब सपोज देखिए ये बाल्क रीजियन है तो बाल्क रीजियन में क्या होगा मेरा बाल्क रीजियन कहां पर है यहां पे मेरा बल्क रीजन होगा ये इस तरफ मेरा बल्क रीजन ये मेरा ऑक्साइड ये मेटल ये इंटरफेस रीजन सो नाउ बल्क रीजन में अब देखिए ये सपोज दिस इज द ईसी एनर्जी लेवल सपोज सो ये मेरा क्या होगा कंडक्शन बैंड एंड सपोज दिस वन इज द ईवी एनर्जी लेवल पी टाइप सेमी तो पी टाइप सेमी के लिए मेरा जो फर्मी लेवल होगा वो फर्मी लेवल कहां पे होंगे देखिए यहां पे ईवी के नजदीक में तो ईवी के नजदीक में मैंने यहां पर लेवल ऑफ द पी टाइप मेटेरियल को ड्रॉ किया EFP. और एक चीज़ होगा कि EFI, EFI जो मिडिल ऑफ द होंगे सो so, नियरली एट द मिडिल यहां दिस इज द इंटेंसिक लेवल फॉर्मलेबल right so, है फॉर्मुलेबल है अब यहाँ पे देखिए कोई करंट तो नहीं फ्लो हो रहा है ना इसके अंदर यहाँ पे आके जा रहा 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 है, है। है। हो तो तो नहीं कैपेसिटर वी कैन से कैपेसिटर इज राइट नाउ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो ये जो मॉस कैपेसिटर है इस मॉस कैपेसिटर का जो सबस्ट्रेट है इस सबस्टेट के अंदर जो फर्मी लेवल होंगे दैट फर्मी लेवल विल बी कॉन्स्टेंट मतलब ये जो ई एफ पी है दिस ई एफ पी विल बी कॉन्स्टेंट यहां पर थ्रू आउट द सबस्टेट सबस्टेट में कॉन्स्टेंट होंगे कोई चेंज नहीं होगा बट अब मैंने देखा कि ये जो मेरा इंटरफेस रीजन है ये इंटरफेस रीजन आपका मोर पी टाइप है मोर पी टाइप का मतलब सो दिस इज पी प्लस रीजन एंड दिस इज द पी रीजन

This is the most important to understand, since the interface region is more p-type than the semiconductor bulk region. That's why we know that the gap, ye jo gap hai ये वाला gap आपका छोटा होगा interface region में. तो छोटा कैसे होंगे? EFP तो आपका constant है. That means ये जो EV है, this EV will tend to bend towards the EFP. तो यहाँ पे gap छोटा होते जाएंगे. So ये ईवी अगर ऊपर की तरफ बेंड होता है तो ईसी भी आपका ऊपर की तरफ बेंड हुआ क्योंकि ईजी तो कांस्टेंट है सो दैट मींस इट विल कम एंड इट विल बेंड लाइक दिस सो दैट द ईजी बिकम कांस्टेंट ईजी मतलब बेंड गैप सो ये जो ईएफआई है ईएफआई कहाँ पे रहता है ईसी e और ईवी e के बीच में सो ईसी ऊपर की तरफ है बेंड हुआ ईवी e भी ऊपर की तरफ बेंड हुआ दैट मींस आपका ईएफआई भी ऊपर की तरफ बेंड होंगे इस तरीके से सो यू कैन सी

क्योंकि बहुत सारे एक्यूमुलेट हो रहा है सो दिस बैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट इज द ऑपरेशन गोइंग इन साइड द मोस्ट कैपेसिटर इन दिस मोड ऑफ ऑपरेशन सो दिस इज द MOS कि इसका और भी सारे मोड ऑफ ऑपरेशन होंगे तो हम लोग इसके बाद depletion मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे नाउ us सी द depletion मोड ऑफ ऑपरेशन तो पहले मैंने क्या किया था accumulation में ये मेरा टर्मिनल था सो इस गेट टर्मिनल और यहां पे मेरा source सबस्ट्रेट टर्मिनल था

कि मेटल के अंदर मेरा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे सो दीज आर पॉजिटिव चार्जेस दैट बीन डेवलप्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल एट द मेटल तो ये मेरा मेटल था ये मेरा ऑक्साइड एंड दिस इज द सेमीकंडक्टर. सो मेटल के अंदर अभी पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हुए ड्यू टू दिस पॉजिटिव टर्मिनल अब तो ये इसको अगर कैपेसिटेंस की तरह काम करना है तो सेमीकंडक्टर के अंदर मुझे क्या चाहिए नेगेटिव चार्जेस चाहिए इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्जेस सो दैट दिस पॉजिटिव चार्जेस कैन बी कॉम्पेंसेटेड बाय द नेगेटिव चार्जेस सो हाउ द नेगेटिव चार्जेस विल बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड दिस पी सबस्ट्रेट उसको देखना है उसके लिए क्या होगा अब देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्जेस यहां पे नेगेटिव टर्मिनल सो नाउ व्हाट विल हैपन ये सेमीकंडक्टर ऑक्साइड लेयर के इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगे सो द डिरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डिरेक्शन ऑफ द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे दैट विल बी डिरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव चार्जेस टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल सो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ सो ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ व्हाट विल हैपन कि पी सबस्ट्रेट के अंदर मेरा जो होल्स थे ये सारे मेरा होल्स होंगे

टाइम अब क्या होगा जो होल्स होंगे वो होल्स आपका जो इंटरफेस रीजन था ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का उस इंटरफेस रीजन को छोड़ के इस तरफ मूव करेंगे सो दैट मींस राइट नाउ द होल्स विल मूव अवे फ्रॉम द इंटरफेस सो लेट अस नोट डाउन दिस तो मैंने क्या किया अभी मैंने गेट पोटेंशियल को पॉजिटिव पोटेंशियल डाला सो जैसे ही मैंने गेट पोटेंशियल को पॉजिटिव पोटेंशियल डाला सो एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल

डेक्टेड एवे फ्रॉम द इंटरफेस एवे फ्रॉम द इंटरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ अब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसके लिए क्या होगा कि होल्स जो होंगे होल्स होल्स विल मूव एवे मूव एवे फ्रॉम द फ्रॉम द ऑक्साइड सेमी कॉन्डक्टर इंटरफेस ऑक्साइड सेमी कॉन्डक्टर इंटरफेस से दूर जाएंगे दूर यहां से दूर जाए इंटरफेस रीजियन है सो so इस जो इंटरफेस रीजियन पे अभी होल का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएंगे सो so धीरे धीरे इसके अंदर होल का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा इंटरफेस रीजियन सो द इफ आई टेक सेमी कॉन्डक्टर सपोज इफ आई टेकिंग अ पी टाइप सेमी कॉन्डक्टर सो so, ये मेरा पी टाइप सेमी है तो पी टाइप सेमी के अंदर बहुत सारे होल्स होंगे नाउ इफ आई अप्लाई आ इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर सो दिस होल्स विल मूव अवे अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स इधर मूव करेगा तो होल जब मूव करते हुए इधर जाएंगे तो पीछे क्या छोड़ जाएगा पीछे आपका जो होता है सपोज दिस होल्स इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक आया पॉइंट वन से लेकर पॉइंट टू पे आया तो पॉइंट वन में क्या छोड़ आएंगे पॉइंट वन पे आपका नेगेटिव चार्ज छोड़ाएंगे सो दिस इज अगेटिव स्पेस चार्ज रीजन स्पेस चार्ज और यू कैन से नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टेड आयल होंगे तो ये जो होल्स इधर से इधर मूव कर रहा है तो पीछे छोड़ के आ रहा है नेगेटिव एक्सेप्टर एक्सेप्ट दैट मींस ये जो इंटरफेस रीजन है इस इंटरफेस रीजन पे जितने सारे होल्स थे वो तो इधर मूव कर रहा था तो पीछे छोड़ के आएंगे क्या पीछे आपका यहां पे नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस छोड़ आएंगे दीज आर द स्पेस चार्ज आयंस नेगेटिवली चार्ज स्पेस चार्ज आयंस कितने स्पेस चार्ज आयंस यहां पे होंगे जितने पॉजिटिव चार्जेस यहां पे होगा सो दैट मींस अब देख रहा हूं मैं कि जैसे ही मैंने गेट पोटेंशियल पे पॉजिटिव पोटेंशियल डाला यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द होल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द इंटरफेस एंड पीछे आपका छोर के आर लिविंग बिहाइंड नेक्सेप्टर आयोन सो दीज आर नथिंग बट नेगेटिवली चार्जेटिवली चार्ज एक्सेप्ट आयोन एक्सेप्ट आयोन सो दीज आर नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्ट आयोन्स सो दीज नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टेड आयोन्स विल नाउ प्रोवाइड द नेगेटिव चार्जेस टू कॉम्पेंसेट दिस पॉजिटिव चार्जेस तो आपने देखा कैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ नाउ इट कैन एक्ट एज एन कैपेसिटर तो मैं अगर ये जो विजी वोल्टेज है ये जो गेट वोल्टेज है इस गेट वोल्टेज को अभी इंक्रीज करना होगा सो मैंने क्या देखा कि होल्स विल मूव अवे फ्रॉम द ऑक्साइड सेमी कॉन्डक्टर इंटरफेस सो इफ द होल्स मूव अवे फ्रॉम द ऑक्साइड सेमी कॉन्डक्टर इंटरफेस देन द एट द इंटरफेस एट द इंटरफेस वी कैन से एट द इंटरफेस में क्या होगा नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर आयोन नेगेटिवली चार्ज एक्सेप्टर आयोन्स विल बी देर मतलब एक्सेप्टर आयोन्स पे एक्सेप्टर आयोन्स कहा हो जाएंगे यहां पर सिर्फ एक्सेप्टर आयोन्स हो जाएंगे अभी एक्सेप्टेड आय का लेयर क्रिएट हो जाएंगे ड्यू टू द होल्स अब मूव अवे फ्रॉम दिस इंटरफेस रीजन सो नाउ इफ आई इंक्रीज दिस वीजी व्हाट विल हैपन नाउ इफ आई इंक्रीज द वीजी इफ आई इंक्रीज द वीजी पॉजिटिवली पॉजिटिव था पॉजिटिवली इंक्रीज करेंगे मतलब ये गेट पोटेंशियल को पॉजिटिव इंक्रीज करेंगे तो यहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा मेटल पे तो यहां पे ज्यादा मुझे नेगेटिव चार्ज चाहेंगे

सो so, यहां पे जो वीद ऑफ द स्पेस चार्ज रीजियन है सो दिस वीद ऑफ द स्पेस चार्ज रीजियन विल ट्राई टू इंक्रीज ये इंक्रीज हो जाएंगे तो इंक्रीज होते कहां हो, तक जाएगा एक मैक्सिमम लिमिट तक इंक्रीज होंगे सो वी कैन से दैट एज द दीजी विल इंक्रीज सो द स्पेस चार्ज रीजियन स्पेस चार्ज रीजियन विथ विल इंक्रीज स्पेस रीजियन विद इंक्रीज हो जाएंगे सो दैट मींस ये वाला रीजियन इंक्रीज होगा अब सोचिए अब लेट अस ड्रॉ द बैंड डायग्राम अभी तक मैंने फेनोमेना डिस्कस किया अभी मैं बैंड डायग्राम के बारे में बात करूंगा तो ये क्या है ये मेरा इंटरफेस रीजन है इंटरफेस रीजन, आई मैं के डिनोट किया इंटरफेस नॉट इसको इंट्रिंसिक मत समझना ये इंटरफेस है सो so, ये मेरा बाल्क रीजियन ऑफ द सेमीकंडक्टर, ये मेरा इंटरफेस रीजियन ऑफ द सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज स्पेस चार्ज रीजियन है नाउ इफ आई वांट टू द वांट टू ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम सो लेट अस ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम लाइक दिस सो ये मेरा ऑक्साइड लेयर अब यहां पर मेरा इंटरफेस रीजियन सो लेट अस ड्रॉ दिस अब सोचो मेरा पी सबस्टेट जो है पी सबस्टेट में बाल्क रीजियन में मेरा जो सेमी कॉन्डक्टर है उस सेमी कॉन्डक्टर में ये मेरा ईसी एनर्जी लेवल है सो दिस इज द कॉन्डक्शन बैंड अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये मेरा वैलेंस so, बैंड का एज है सो दिस इज द वैलेंस बैंड ये एक सबस्टेट कौन सा है पी टाइप सबस्ट्रेट, सो पी टाइप सबस्टेट में जो फर्मी लेवल होगा दैट फर्मी लेवल विल बी नियर टू द बैलेंस बैंड सो दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन हियर नियर टू द बैलेंस बैंड अब इस सेमीकंडक्टर का जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होंगे वो ईसी ईसी और ईवी के बीच में होगा तो लेट अस एज्यूम दैट दिस इज द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल ई सो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल यहां पे है ये वाला आपका थोड़ा सा सीधा होगा इसको सीधा कर दीजिए ओके सो नाउ ये मेरा ई एफ आई ये मेरा ई एफ पी ये मेरा ईवी बल्क रीजन पे अब सोचो ये जो इंटरफेस रीजन है इस इंटरफेस रीजन में अभी जो होल का कॉन्सेंट्रेशन होगा और यहां पे बल्क रीजन पे जो होल का कॉन्सेंट्रेशन होंगे कहां पे ज्यादा होंगे क्योंकि सारे होल्स तो इंटरफेस रीजन को छोड़ के इधर जा रहा है तो बल्क रीजन के अंदर आपका होल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होते जाएंगे और यहां पे आपका जो रीजन है ये रीजन इंटरफेस रीजन में आपका लेस पी टाइप हो जाएगा सो दैट मींस लेस पी टाइप होने का मतलब है कि दिस वन विल बी लेस पी टाइप ये आपका ज्यादा पी टाइप होंगे क्योंकि आपका होल्स इंटरफेस को इसको छोड़कर इधर जा रहा है सो दैट मींस ये जो गैप है ये जो ईपी और ईवी ईवी के बीच के में गैप है ये जो गैप है इसमें आपका ज्यादा गैप होंगे और इंटरफेस में आपका बड़ा गैप होगा सो एज वी हैव टोल्ड अर्लियर दैट ये जो मॉस कैपेसिटर है इस मॉस कैपेसिटर में मुझे गेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल डाले थे यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डाले थे इसके अंदर कोई करंट नहीं फ्लो रहा है क्योंकि बीच में सी इंसुलेटर है सो दैट मींस ये सेमीकंडक्टर ये जो मॉस कैपेसिटर है ये मॉस कैपेसिटर अभी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है सो थर्मल इक्विलिब्रियम पे अगर होगा सो so इस सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेरा फर्मी लेवल होंगे वो कांस्टेंट होंगे सो वी कैन से दैट दिस फर्मी लेवल विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर अब मैंने क्या कंक्लूड किया कि मेरा जो पी सबस्ट्रेट है ये पी सबस्ट्रेट आपका ज्यादा पी टाइप सो हाई पी टाइप होंगे हाई पी टाइप और ये जो इंटरफेस है ये इंटरफेस में अभी नेगेटिवली एक्सेप्टर आयंस है जो कहां पे आया होल छोड़ के गया मतलब इसके अंदर होल कॉन्सेंट्रेशन कम है लेस पी टाइप दैट मीन ये जो गैप है ये गैप इंटरफेस में ज्यादा होंगे क्योंकि इंटरफेस मेरा लेस पी टाइप है सो दैट्स विल विल हैपन दिस वैलेंस बैंड बेंड डाउन ये डाउनवर्ड बेंड करेंगे तभी तो यहां पे गैप ज्यादा होगा तो वैलेंस बैंड अगर डाउनवर्ड बेंड होगा तो कंडक्शन बैंड भी मेरा डाउनवर्ड बेंड होंगे दैट्स वाई मेरा जो ई एफ आई है डाउनवर्ड डिरेक्शन डाउनवर्ड डिरेक्शन में बेंड होंगे इसको अच्छी तरीके से यहां पर ड्रॉ करता हूं कि यह मेरा डाउनवर्ड बेंड हुआ सो so, मेरा जो ई एफ आई है वो भी मेरा डाउनवर्ड बेंड हुआ सो so, मैंने क्या देखा था डिप्लेशन एक मोड पर बेंडिंग अपवर्ड हो रहा था बट यहां पे जैसे ही मैंने गेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल डाला तो होल छोड़ के चला गया इंटरफेस को तो इंटरफेस पे मेरा एक्सेप्टर आ गया, charged, so आने से मेरा हुआ. होने से यहाँ पे फर्मिलेबल और वैलेंस बैंड का जो गैप है वो इंक्रीज हुआ सो so, इसीलिए तो कंडक्शन बैंड भी नीचे की तरफ बैंड इसी हुआ इसीलिए so, बैंड बेंडिंग ऑकर्स इन दिस रीजियन और यहां पर क्या हो रहा है यहां पर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल एट द गेट एट द इंटरफेस रीजियनिंग स्पेस चार्ज रीजियन क्रिएट हो रहा है स्पेस चार्ज रीजियन का और एक नाम क्या होता है डिप्लेशन रीजियन सो दी कैन से दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव पोलरिटी एट द गेट पोटेंशियल आर डिप्लिशन रीजियन इज क्रिएटेड इज क्रिएटेड एट ऑक्साइड सेमी कॉन्डक्टर इंटरफेस ऑक्साइड सेमी कॉन्डक्टर इंटरफेस में मेरा एक डिप्लेशन रीजियन क्रिएट हो रहा है और मैं गेट पोटेंशियल को इंक्रीज करूंगा तो मेरा डिप्लिशन रीजियन का वीथ भी इंक्रीज हो रहा है दैट्स वाई दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड डिप्लीशन डिप्लिशन मोड ऑफ ऑपरेशन डिप्लिशन मोड सो दिस इज द डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन जहां पर मेरा यहां पर डिप्लिशन डिजियन क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर जो नेगेटिवली एक्सेप्टेड आयोन्स है वो मेरा यहां पर पॉजिटिव चार्ज मेटल पे जो आ रहा था उसको कॉम्पेंसेट कर रहा है

उ फार कितने देर तक फॉर दैट पर जो जितना मैं इसको इंक्रीज करूंगा गेट पोटेंशियल को इंक्रीज करूंगा पॉजिटिवली तो यह जो बैंड बेंडिंग हो रहा है यह बैंड बेंडिंग धीरे धीरे इंक्रीज होंगे सपोज आई एम गिविंग अ पोटेंशियल हेयर पहले मैंने यहां पर पोटेंशियल डाला था वीजी वन उसके बाद वीजी वन को इंक्रीज करते हुए मैंने डाला वीजी टू सच दैट मेरा वी जी वन

नेगेटिव चार्जेस आएंगे नेगेटिव चार्जेस आ गया सो so नाउ ये जो नेगेटिव चार्जेस यहां पे आया तो आपका इंटरफेस रीजन अभी इंक्रीज हुआ तो पहले इंटरफेस रीजन ही इतना सा था अभी आपका इंटरफेस रीजन ये वाला हुआ सो so आपका जो बैंड बेंडिंग है वो बैंड बेंडिंग अभी इंक्रीज होंगे क्योंकि पहले आपका इंटरफेस रीजन यहां पे था अभी इंटरफेस रीजन यहां पे सो दैट मींस अभी आपका इंटरफेस रीजन यहां पे आ जाएंगे बैंड बेंडिंग विल अकार मोर सो बैंड बेंडिंग आपका और ज्यादा होगा और ज्यादा बैंड बेंडिंग दैट मीन दिस बैंड विल नाउ बैंड इन दिसक सो यहां पर बैंड यहाँ पे बैंड और ज्यादा इंक्रीज होंगे और ज्यादा इस तरीके से और ज्यादा बैंड बेंडिंग हुआ तो ये भी मेरा बैंड बेंडिंग ऐसे हुआ सो यू कैन सी एज यू इंक्रीज द गेट पोटेंशियल द बैंड विल बैंड बेंड होते होते अब देखिए कि ये जो ई एफ आई है दिस ई एफ आई द ई एफ पी मतलब इंटरफेस एट द इंटरफेस मेरा जो ई एफ आई है वो ई एफ आई जहां पे है ई एफ पी उसी पॉइंट पे है सो दैट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दैट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जहां पे मेरा ये ई एफ आई और ई एफ पी सेम पोजीशन पे आ रहा है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेट पोटेंशियल डालते हैं तो यहाँ पे इंटरफेस रीजियन पे एक नेगेटिवली चार्ज स्पेस रीजियन क्रिएट हुआ था सो दिस वॉज द नेगेटिवली स्पेस रीजियन जिसको मैंने डिप्लिशन रीजियन का नाम भी बोल सकता हूँ सो डिप्लेशन रीजियन बिन क्रिएटेड्स वाई द मोड ऑफ ऑपरेशन बी डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन तो इसका एक वीद होगा इसका एक वीद होंगे सो डब्लू इज द डिप्लीशन रीजियन सो मैं अगर गेट वोल्टेज को सपोज इंक्रीज द गेट पोटेंशियल सो वॉट विल है डिप्लिशन रीजियन विल इंक्रीज इू कैन सी डब्ल्यू इज द वीद ऑफ द डिप्लीशन रीजियन सो नाउ जितना वीद इंक्रीज होगा आपको क्या होगा ये इसके अंदर मेरा जो नेगेटिव चार्ज स्पेस चार्ज लेयर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होंगे और एक चीज़ भी होंगे कि इसके अंदर मेरा इलेक्ट होल का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा सो इफ द होल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस देन व्हाट विल हैपन तो ये जो मेरा गैप है बिटवीन द ई ए पी एंड द ई वी ये इंक्रीज होंगे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है सो गेट पोटेंशियल को ऐसे इंक्रीज करते करते एक टाइम आएंगे जब मेरा ए वाला ई ए एट द सर्फेस जस्ट एट दर्फेस ऑफ दू कैन सी दट दिज आई एंड पी आर एट देंगे ना इसके बाद भी मैं अगर ई एफ गेट पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे सो so, इसके बाद भी मैं अगर गेट पोटेंशियल को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा ये ई एफ आई धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होगा स दिस ई एफ आई विल मूव डाउन दी तो इसीलिए क्या होगा मेरा जो ई वी है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे और मेरा ई सी भी नीचे की तरफ शिफ्ट होगा नाउ व्हाट यू कैन सी जितना मैं गेट पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा हूं डिप्लेशन रीजियन के बाद अब क्या हो रहा है ये जो मेरा ई सी है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे मेरा जो ई एफ आई है वो नीचे की तरफ है फार्मी लेवल से नीचे और ई वी यहाँ पे है सो नाउ एट दिस what will happen हैपन यू कैन सी दैट द band बैंडेज एट द surface एट द इंटरफेस पे क्या हो रहा है कि कॉन्डक्शन बैंडेज कहाँ पे है ये मेरा कॉन्डक्शन बैंडेज है ये मेरा ई एफ आई है ये मेरा ई वी है बैलेंस बैंडेज और यहाँ पे मेरा फार्म्यूलेबल है अब ये फार्म्यूलेबल के नज़दीक में कौन है EC है और फर्म्यूलेबल से दूर कहाँ पे है Ev बहुत दूर है So now at the interface, you can see the gap between the EV and the Fermi level, जो है और EC और Fermi level का gap और बहुत ही कम है. That means when it happens in the n-type semiconductor. So in the n-type semiconductor, we know that the EC और EF के बीच में जो gap होगा वो कम होते हैं और EF और EV के बीच में जो gap होंगे वो ज़्यादा होते हैं. अब इसी सिचुएशन क्रिएट हुआ है नियर द इंटरफेस इंटरफेस में मेरा ई और फर्मी लेवल का गैप ज्यादा है और लेवल और इसी का गैप छोटा है दैट मीन्स वी कैन से दैट नियर द इंटरफेस इनसाइड द इंटरफेस वॉट हेज द जो पी टाइप सेमी कॉन्डक्टर था उस पी टाइप सेमी कॉन्डक्टर हैज नाउ कॉन्वर्टेड इन टू टाइप सेमी कॉन्डक्टर बिकॉज यू कैन सी

तो n टाइप सेमी में मेजोरिटी कैरियर क्या होता है इलेक्ट्रॉन सो दैट मीन्स इसके अंदर इंटरफेस रीजन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तभी तो ये नीचे की तरफ आया है सो नाउ वी कैन से दैट द इंटरफेस रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुआ अभी ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज का कॉम्पेंसेट करेंगे अब क्या होगा कि ये जो गैप है ये जो गैप है if we denote it as phi f difference between the fermi level and the e f i so phi f ab this gap here, this gap so let us denote it as phi s this is the surface potential phi s is nothing but the surface potential surface potential the definition this is the difference between the e f i in the bulk region and the e f i inside at the surface so the mera phi s

ऐसा एक वोल्टेज आएगा वीजी का जिसके लिए मेरा जो सरफेस पोटेंशियल है फाइस दिस फाइस विल बिकम टू ऑफ फाइ एफ पी वीजी इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज थ्रेश होल्ड वोल्टेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन वी टी एच वी टी एच इज द थ्रेश होल्ड वोल्टेज दैट मीनस दैट गेट वोल्टेज जिसके लिए मेरा सरफेस पोटेंशियल विल बी ट्वाइस ऑफ दिस फर्मी पोटेंशियल टू 25p सो दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट VTH नाउ इसके बाद अभी इसके बाद क्या होगा इसके बाद आप जितना इसको इंक्रीज करेंगे ये थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होता बेंड होते जाएंगे और मेरा कंडक्शन बैंड मेरा फर्मी लेवल के नजदीक में आता जाएगा धीरे-धीरे दैट मींस मेरा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था इंटरफेस के अंदर

what it is called it is called the inversion mode of operation so inversion mode of operation so in the inversion mode what will happen in the inversion mode the most important thing is that the p type semiconductor which was inside the interface region that has been converted into the n type semiconductor and the inversion layer

मेरा जो पहला फॉर्मूला आएगा दैट इज फॉर द थ्रेशोल्ड वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का डेफिनेशन क्या था इफ यू रिमेंबर कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज का जो डेफिनेशन था दैट इज दैट अमाउंट ऑफ गेट वोल्टेज नीडेड फॉर दिस सरफेस पोटेंशियल टू बी द ट्वाइस ऑफ द फर्मी पोटेंशियल फाइव पी इस वीटीएज वोल्टेज का एक इक्वेशन मुझे चाहिए जो मुझे न्यूमेरिकल पे आता है नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा ये जो wv है ये वाला wv ये wv मैंने क्या देखा था कि जितना मेरा vg इंक्रीज होंगे w इंक्रीज हो रहा था ये कितने देर तक इंक्रीज होंगे दिस vg के लिए मेरा जो w इंक्रीज हो रहा था दैट विल लाइक दिस कि मेरा vg अगर इंक्रीज होगा तो width ऑफ द डिप्लीशन लेयर विल इनक्रीज सो इंक्रीज होते-होते ये वाला vg जब मेरा थ्रेश वोल्टेज के साथ सेम हो जाएंगे दिस वी के साथ तब मेरा W विल बी द W मैक्स ये मैक्सिमम उद है क्योंकि इसके बाद आपका इसके अंदर और नेगेटिव एक्सेप्टर आय नहीं आएंगे क्योंकि और इसके अंदर ये वाला सेमीकंडक्टर अभी मेरा पी टाइप से एन टाइप हो गया है तो नेगेटिव चार्ज जो मुझे चाहिए कॉम्पेंसेट करने के लिए कि यहां पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये पॉजिटिव चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो तो कहां से आएंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स से आएगा क्योंकि मेरा यहां पे मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप में कन्वर्ट हो गया है सो एन टाइप में कन्वर्शन के बाद मेरा यहां पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट चार्ज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स विल कंपेंसेट दिस पॉजिटिव चार्जेस दैट्स व्हाई मेरा जो स्पेस चार्ज विध है वो तो कांस्टेंट हो जाएंगे दैट इज द मैक्सिमम डिप्लीशन विद इसके बाद अगर मैं वीजी को इंक्रीज करता हूं वीजी ग्रेटर देन वीटीएच ये कभी भी और इंक्रीज नहीं होंगे दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पे होगा और क्या होंगे यहां पे इन्वर्शन लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे इन्वर्शन लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स So, ये जो डब्लू मैक्स है ये डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला भी मुझे चाहिए पहले चाहिए डब्ल्यू का फॉर्मूला फिर चाहिए मुझे डब्ल्यू मैक्स का भी फॉर्मूला ये वाला और और एक भी चीज हम लोग देखेंगे बाद में कि ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है थ्रेशोल्ड वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करते हैं मॉस कैपेसिटर का सो होपफुली अंडरस्टूड दिस एक्युमुलेशन मोड डिप्लीशन मोड एंड द इन्वर्शन मोड ऑफ द मॉस कैपेसिटर तो यहां पर मैंने कौन सा मॉस कैपेसिटर यूज किया था पी सबस्टेट मॉस कैपेसिटर तो पी सबस्टेट मॉस कैपेसिटर के लिए अब देखिए इफ दीजी वोल्टेज इफ दीजी वोल्टेज इज नेगेटिवली चार्ज अगर वी जी मेरा नेगेटिव पोटेंशियल होता है तो क्या होंगे इट विल कम एज द एक्यूमुलेशन मोड शन मोड ऑफ ऑपरेशन जब मेरा वी जी वोल्टेज पॉजिटिव होते हैं और लेस देन थ्रेश होल्ड होते हैं तो लेस देन थ्रेश होल्ड देन इट विल हैव द डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन सो डिप्लीशन मोड के बाद जैसे ही मेरा वीजी वोल्टेज ग्रेटर देन वी टी एच हो जाता है वो हो चले जाएंगे आपका इन्वर्शन मोड ऑफ ऑपरेशन पे सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्क्लूशन दैट व्हेन इज़ नेगेटिव एक्यूमुलेशन मोड ऑपरेशन एंड व्हेन जी इज पॉजिटिव बट ग्रेटर इन्वर्शन मोड ऑफ ऑपरेशन यहां पे भी होंगे सो नाउ यू कैन सी दिस फॉर पी मॉस कैपेसिटर P सबस्टेट मॉस कैपेसिटर नाउ लेटस डिस्कस दिस थिंग फॉर द एन सबस्टेट मोस कैपेसिटर तो मॉस कैप के लिए मेरा क्या होने वाला है कि एक्यूमुलेशन कब होगा यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था जब मेरा गेट पोटेंशियल नेगेटिव था यहाँ पे क्या होंगे जब मेरा गेट पोटेंशियल पॉजिटिव तब मेरा एक्यूमुलेशन होगा एक्यूमुलेशन तो मेरा डिप्लीशन कब होंगे जब मेरा गेट पोटेंशियल आपका यहां पे पॉजिटिव था तो गेट पोटेंशियल जब नेगेटिव होंगे एंड द गेट पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द वीटीएच बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू था इसीलिए ग्रेटर देन होंगे सो तब मेरा ये डिप्लीशन आएंगे और जब मेरा गेट पोटेंशियल लेस देन द वीटीएच होंगे तब मेरा ये जाएंगे इन्वर्शन मोड पे इन्वर्शन मोड सो नाउ इफ आई डिस्कस दिस थिंग इन अ ग्राफ द ग्राफ विल लुक लाइक दिस नाउ लेट अस सी द ग्राफ लाइक दिस कि सपोज आई एम ड्राइंग द ग्राफ फॉर मोड ऑफ ऑपरेशन फॉर द पी ऑफ मॉस कैपेसिटर तो पी ऑफ मॉस कैपेसिटर यहां पे मैंने यहां पर मेरा वीजी है सपोज दिस इज द वीजी एक्सिस एक्सिस so में ये मेरा सपोज ऑरिजिन है जीरो तो मैंने क्या बोला Vg जब मेरा नेगेटिव होंगे तो यहां पे यहां से लेकर यहां तक मेरा एक्यूमुलेशन होंगे एक्यूमुलेशन फॉर दिस एन पीस ऑफ मॉस कैपेसिटर अब Vg जब पॉजिटिव हो रहा है बट लेस देन वी तो मान लीजिए ये मेरा वी है सपोज दिस इज द टी एच और थ्रेशोल्ड वोल्टेज सो इसके बीच में मेरा क्या होंगे डिप्लीशन ये मेरा डिप्लीशन होंगे डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन और Vg जब ग्रेटर देन वीटी होगा मतलब यहां से लेकर यहां तक ये मेरा इन्वर्शन रीजियन है इन्वर्शन रीजियन सिमिलरली इफ आई ड्रॉ द रेंज ऑफ Vg फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ Vg फॉर द एन एंड स्टेट कैपेसिटर so let us assume that this is zero origin so now VG जब positive हो रहा है for accumulation so that means यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका accumulation region for the N sub MOS capacitor और VG जब negative होंगे so let us assume that this is the VTH तो जब मेरा VG zero और VTH के नीचे होंगे बीच में होगा that means VG will be ग्रेटर देन ये नेगेटिव एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है नेगेटिव एक्सिस सो इस रीजन के अंदर मेरा आएगा डिप्लिशन रीजियन ऑफ ऑपरेशन फॉर द इस रीजन के अंदर मेरा आएंगे इन्वर्शन रीजन ऑफ ऑपरेशन सो ये था मेरा रेंज डिफरेंट मोड्स एड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ विजी दिस इज फॉर द एंड ऑफ दिस इज फॉर द पीस ऑफ नाउ विल गो फॉर द different formulas that will be needed for doing the numericals of the mos capacitor hopefully you have enjoyed the video and if you have want more type of videos then just subscribe the channel and press the bell icon so that whenever a new video will be uploaded then it will be notified thank you very much for watching the video